पेरेंट्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार 2 माह से ऑडिट रिपोर्ट जमा कर नए फीस स्ट्रक्चर को लागू करने हेतु सूचना दी जा रही है, पर अभी तक नई फीस स्ट्रक्चर की जानकारी किसी भी अभिभावक को स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं दी गई है। वह शिक्षा अधिनियम 2017 का पालन करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त अभिभावक गानों को यह ज्ञात कराया गया कि पिछले 6 वर्षों की फीस पूर्ण तरह से अवैध है, अतः स्कूल प्रबंधन से यह निवेदन किया जाता है कि हमारी निम्नलिखित मांगों को बिना किसी प्रकार सोचे समझे अगले 24 घंटे में लागू किया जाए। 4 सूत्र मांग यदि स्कूल प्रशासन पूरा करता है तो ही आने वाले समय में स्कूल चल पाएगा, अन्यथा स्कूल को किसी भी तरह से संचालित नहीं करने दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी और आने वाले समय में कोई भी अभिभावक फीस जमा नहीं करेगा। जी मैडम बताएं, आज कलेक्टेड ऑफिस आए हैं क्या? हाँ, हम लोग सब पेरेंट्स लोग कलेक्टेड ऑफिस आए हुए हैं, जो फीस की वृद्धि के लिए बुलाया गया था। 3-4 बार कार्रवाई होने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ सब पेरेंट्स लोग आए हुए हैं और हमारी कलेक्टेड ऑफिस आने के बाद इसके बाद जो भी कार्रवाई हो जो जल्दी से होनी चाहिए और जो भी फीस की हम लोग को फीस वापस होनी चाहिए और जो भी आगे की कार्रवाई हो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही है वो हमको लग रहा है कि वो बहुत स्लो हो रही है, हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है। तो आपकी स्कूल से फीस भी कम नहीं की है, वापस भी नहीं की गई है क्या? नहीं, स्कूल फीस भी वापस नहीं हुई है और जो भी हम लोग बोल रहे हैं उस पर कोई मतलब बातचीत हो ही नहीं रही है। पेरेंट्स लोग सब आ रहे हैं लेकिन हमारी कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाम आपका? तो हम चाहते हैं कि हमारी आज यहाँ पे हम लोग कलेक्टेड ऑफिस आए हैं, हमारी बातें सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। नाम आपका? मैं रूपाली संतोष कोरे। हेलो हेलो। हाँ जी भैया, हम सब यहाँ अभिभावक पेरेंट्स एसोसिएशन जबलपुर मध्य प्रदेश सचिन गुप्ता जी के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात करने आए हैं। विगत 2-3 दिन पूर्व 15 तारीख को सभी अभिभावकों द्वारा सेंट गैब्रियल स्कूल और जोसफ स्कूल में आंदोलन किया गया था, जिसकी कॉपी जो हमारी मांगे हैं फीस वृद्धि को लेकर पहला पॉइंट उस SDM महोदय को भी सौंपी गई थी, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी अभिभावकों को लग नहीं रहा है कि कोई उचित कार्यवाही हो रही है। तो इसी संबंध में सब अभिभावक अपनी मांगे लेकर फिर से एक बार कलेक्टर महोदय जी से मिलने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिल पटेल है, मैं अभिभावक हूँ सेंट गैब्रियल स्कूल।